नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हुआ और सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। अब आज सदन में जींद के प्रिंसिपल के द्वारा स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच में तीखी बहस हो गई। डिप्टी सीएम ने जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2005 और 2011 में भी टीचर के खिलाफ शिकायत हुई थी। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर इस मामले का समझौता भी करवाया गया था। अब डिप्टी सीएम के आरोपों को गीता भुक्कल ने खारिज करते हुए कहा कि मैंने किसी का बचाव नहीं किया। साथ ही गीता भुक्कल ने इसे सबूत देने की बात भी कही। दुष्यंत चौटाला और गीता भुक्कल की बहस के बीच में सीएम ने कहा कि जांच में सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज को लिखा जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सदन में क्या कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने शिक्षा मंत्री रहते आरोपी टीचर का बचाव किया था? आखिर इतने पुराने मुद्दे को सदन में क्यों उठाया गया? छात्राओं से छेड़छाड़ जैसे संवेदनशील मुद्दे की क्या अनदेखी हुई है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विषय इस प्रकार से जो एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी और ये सारी टिप्पणी अच्छी नहीं है, सदन के मर्यादाओं में भी ठीक नहीं है। हमको वास्तव में ये 2005 का विषय या 2011 का विषय या 2023 का विषय, वास्तव में पर्टिकुलर किसी एक ही अध्यापक के खिलाफ ही सारी चीज़ें जा रही हैं। उस समय क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, आज क्या हुआ, तो मैं तो ऐसा सुझाव देता हूँ, चाहे तो किसी सीनियर पुलिस अधिकारी के, क्योंकि पुलिस के पास सारे विषय हैं, या किसी एजुकेशन विभाग, फिर ये आरोप लगेगा कि पुलिस इनकी है और इन्होंने पुलिस को कह करके इंक्वायरियों को बाहर से भी करना है, तो कोई ऐसे योग्य व्यक्ति जो तीनों घटनाओं को, कोई या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, नहीं नहीं विधानसभा नहीं खोज कर सकती, विधानसभा खोज नहीं कर पाएगी इसकी, विधानसभा में तो रिपोर्ट आएगी उसको। नहीं नहीं प्रश्न ये है, ये डॉक्यूमेंटेशन का विषय है, ये डॉक्यूमेंटेशन का विषय है, फाइलों में भी होगा, फाइलों में से हाँ, तो जो भी कुछ तौर पर वहां के थाने के अंदर या जो भी FIR हुई है नहीं हुई है वो सारा तो विषय। हाँ, तो फिर शिक्षा मंत्री जी या तो देखें तीनों समय का, उस समय का देखें, अब का देखें और बाद का देखें कि उसका रिकॉर्ड में आखिर किसने उनको DDR को कैंसिल कराने में भूमिका किसकी रही, उसको दोबारा से उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाए इसमें भूमिका किसकी रही, अब 2023 में क्या किया गया इसमें किसकी क्या भूमिका रही, सारा नेतृत्व करके आ जाएगा, सामने सब आ जाएगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है, मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था, उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारसी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाणा किया, कौन उस समय एजुकेशन, एक एक मान्य सदस्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के फायदे नहीं कर रहे, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द हाउस, बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन, आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में किसी प्रिंसिपल के खिलाफ FIR ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया, तो आप ये कृत्य ना होता, अगर ऐसे तो आज नहीं टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है, आप बैठिए, आप आरोप घबरा गए जब उप मुख्यमंत्री ने बात कही, आप बैठिए गीता जी, आप नहीं, उन्होंने
कैप्टन की भूमिका निभाई, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको, जब आप कस्टोडियन थे ना तब आपने बचाने का काम किया, हमने टर्मिनेट करने का काम किया। बैठो बैठो बैठो। अभय यादव जी, अन्य गीता बुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? बैठे हमने टर्मिनेट कर दिया 2011 में इनके निवास में झज्जर में, इसी प्रिंसिपल के खिलाफ DDR कटी हुई थी, FIR ना हो, समझौता और फैसला कराया गया, क्या ये फैक्ट है? माननीय सदस्य बताइए साहब उसको। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था, उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारसी था? मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ इसकी जांच कराओ, जैसे मैंने सदस्य ने कहा है, जांच कराओ हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इस पूरे वाक्य की, इस ऐसे व्यक्ति के नेचर के अंदर अगर ये चीज रही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरी की न्यायिक जांच सब में ये बात कही जा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगी। तो फिर इसकी जांच सारा सदन, ये सारे मेंबर चाहते हो नहीं चाहते हो इसकी जांच? तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि सदन जांच होनी चाहिए, सदन चाहता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो ये हुआ कि इस मामले की जांच, जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो फैक्ट्स आपके पास है या उनके पास है, कि 2005 से लेकर के क्या उस जो अध्यापक था उसके क्या क्या व्यवहार रहा है, किस किस प्रकार से उसको टर्मिनेट किया गया या सस्पेंड किया गया है, किस प्रकार से दोबारा उसकी नियुक्ति हुई है, ये सारी चीज़ों की जांच हम जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाईकोर्ट के जज से उसकी जाँच कराई जाए। तो एक तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ, उस यौन शोषण के मामले को जब उठाया जा रहा था, तो आरोप प्रत्यारोप किस तरह से हुए हैं, ये बहुत आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, और इसको समझना होगा कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे, अब इन सब के पीछे की जो सच्चाई है वो क्या कुछ निकल करके आती है। और आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है इनको किस तरीके से देखा जाए। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नेहा धवन जी, स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है। विवेक चौधरी जी आपका भी स्वागत है। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। केसी भाटिया जी आपका भी स्वागत। और विजेंद्र रेडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। विजेंद्र रेडू जी आपका भी स्वागत है। नेहा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, आज तो आपने भी कार्रवाई को देखा होगा सदन की, लेकिन जो मुद्दा उठ रहा था, एक तो बच्चियों के साथ छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला था, बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वहां पर जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि नोकझोंक हुई गीता भुक्कल या फिर डिप्टी सीएम के बीच में, फिर बाद में मुख्यमंत्री को इंटरवीन भी करना पड़ा, फिर शिक्षा मंत्री ने भी कुछ बातें कही, कैसे इसको देखा जाए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इतने संवेदनशाली जो विषय है उसकी उस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते मेरी भी सामाजिक जो भूमिका है उसके नाते भी मैं इस विषय पर कोई राजनीति बयान नहीं दूंगी, लेकिन जो सदन में हुआ वो एक जायज बात लगती है, क्योंकि हम एक पक्ष के नहीं हो सकते हैं। विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर, बहुत सी आपकी भी डिबेट रही होंगी आपके चैनल पर भी, हमेशा इस बात को एक मुद्दा बनाते रहे हैं और हरियाणा सरकार को नीचा दिखाते रहे हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए ना। जब एक ही आरोपी हो, 2005 में 2011 में उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है तब तो आप उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सेम व्यक्ति के ऊपर ही, और आप FIR भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो दोबारा तीसरी बार हरकत करता है ऐसी, तो हमने उसे सस्पेंड कर दिया और हमने उस पर पुलिस कार्रवाई भी करवाई। तो आप बताइए फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा सरकार की क्या गलती है? हमने तो कार्रवाई की है, वो निंदा मैं उस बात की करती हूँ कि ये कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे भी जोर दूंगी कि अगर एक्स मिनिस्टर ने ये कार्रवाई तो उस समय की होती, 2005 में ये कार्रवाई की होती, 2011 में ये कार्रवाई की होती, तो उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती और बच्चियों के साथ इस तरह की कोई हरकत करने का, और
2005 और 11 में दिया गया ये उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करने का जो मैसेज जाता वो पूरे विभाग के लोगों के समक्ष एक मैसेज जाता कि इस तरह की हरकत जो है वो हम स्कूल के परिवेश में छोटी बच्चियों के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय एक्स मिनिस्टर साहिबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो दूध का दूध पानी तो होना चाहिए। आज तो आप चिल्ला रहे हैं, आज आप चीख रहे हैं, आज आप हंगामा कर रहे हैं, आज आप इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ताकि विपक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाया जा सके, सरकार को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन वर्तमान सरकार अपने कर्तव्य बद है, अपने कर्तव्य से भागी नहीं, हम निष्ठा से काम कर रहे हैं और तुमने उस पर कार्रवाई की। अगर हम कार्रवाई नहीं करते तुरंत, हमारी तरफ से कोई छूट होती, कोई बात रहती तो बात बनती थी कि विपक्ष इस बात का मुद्दा उठाए। लेकिन ये बात सदन में आना बहुत जरूरी है, पब्लिक के सामने ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि हमने कार्रवाई की। लेकिन पुराने समय में इसको रफा दफा कर दिया गया, चाहे वो उनके कोई जानकार हो, चाहे वो उनके जान पहचान वाले हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की, आपने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। आपको उस समय बच्चियों से प्यार नहीं था, उस समय महिला सुरक्षा की बात नहीं थी, उस समय आपको हरियाणा की बेटियां नहीं दिख रही थी, आपने उस वक्त ऐसे आरोपित व्यक्ति को क्यों उसका साथ दिया, क्यों उसको छोड़ने का काम किया, बात यहाँ ठीक है। केसी भाटिया जी, केसी भाटिया जी, ये आरोप बड़े संगीन है। एक तो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई उस पर चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा इस तरह से पहुंची कि आरोप ये लग गया कि उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री भाई उन्होंने उसी शख्स को बचा लिया, उनके घर में पंचायत हुई, ये जो आरोप लग रहे थे, कैसे इसको देखें? आयुष जी, पहले तो मुझे आपत्ति है, मेरी बहन नेहा धवन जी बीजेपी की प्रवक्ता है और महिला है, ये जिस तरह से कह रही है कि एक्स मिनिस्टर ने किस तरह, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर किस तरह से चिल्ला रही थी, किस तरह से, क्या आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के विधायकों की ड्यूटी बनती है कि वो इन मुद्दों को उठाएं, लेकिन आप उसको चीखना और चिल्लाना कहकर आप उस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस जो एपिसोड हुआ है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बात रही 2005 की और 2011 की, आप बात कर रहे हैं जिस प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगे हैं, उस टाइम क्या हालात रहे होंगे? आज 9 साल हो गए सरकार को, हम ओपोजिशन में बैठे हैं, आज तक आपने कितनी बार असेंबली बैठी है, आपने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया, पब्लिक में आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया कि गीता बुक्कल जी एक्स मिनिस्टर थी, उन्होंने किस तरह से क्या किया उस मामले में। और आज जब आपके ऊपर बात आई है कि भाई जींद के नरवाना से यहाँ से ये मुद्दा उठा है कि प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की है, मैं वकील हूं, मैं वकीलों वाली बात मैं करना चाहता हूं कि ये डिपेंड करता है कंप्लेनेंट के ऊपर, जिसने लड़की ने कंप्लेंट की, जिसके माँ बाप ने कंप्लेंट की, उस टाइम में, पहले के टाइम जो बता रहे हैं, उस टाइम क्या गंभीरता रही होगी उस कंप्लेंट की, और आज उस कंप्लेंट को कितनी गंभीरता से उन लोगों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, गांव के लोग उठ खड़े हुए, वहां के एरिया के लोग उठ खड़े हुए कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस टाइम ऐसा मुद्दा मुझे याद नहीं है और मेरे संज्ञान में भी इस तरह का कोई मुद्दा उठा था। 9 साल से आप लोग सोए हुए थे, आपने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया आज तक? आज जब आपके ऊपर आन पड़ी है, आपको जवाब देने की जरूरत है। बीजेपी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी के एमएलए हो, चाहे बीजेपी के मंत्री हो, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है किसी समस्या के ऊपर, ये कांग्रेस के पिछले 10 साल में 15 साल में चले जाते हैं। आज का जवाब दीजिए, आज उसके ऊपर गंभीर आरोप है और उसको उसकी छानबीन के लिए अगर मांग की जा रही है कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, हाईकोर्ट जज की सुपरविजन में इंक्वायरी हो, आप उसके बजाय 2005 की और 2011 की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं? आप इतने टाइम तक क्यों सोए हुए थे आप लोग? ठीक है विवेक चौधरी जी, 9 साल तक आप लोग ने बताइए इस पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि 4-4.5 साल आप लोग को भी हो गए सत्ता के भागीदार बने, और आज आप लोग सदन के अंदर इस बात को उठा रहे हैं। आयुष भाई, जब कोई मुद्दा आया तभी उसको उठाया गया। आज मैं सुन रहा था, अभी भाटिया साहब सीनियर हैं, अधिवक्ता भी हैं, पर अफसोस की बात है कि पूरा फैक्ट उनके पास भी नहीं। ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी की मांग, कोई उस पर कार्रवाई की मांग, इनको पता होना चाहिए कि वो ऑलरेडी टर्मिनेट है और ऑलरेडी सलाखों के पीछे। हमने तो जो बात कही, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो बात कही है, कारण उनको पॉइंट आउट करके ये बात कही गई थी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं वकील साहब को ये भी बताना चाहूंगा, नरवाना का नहीं उचाणा का मामला था। आज कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली कि अगर उस टाइम पे इसके ऊपर कार्रवाई हुई होती तो आज ये दोबारा घटना रिपीट ना होती।
आज के दिन अगर घटना रिपीट हुई है, पहले कोई ढील रही है तभी घटना रिपीट हुई, हमने तो एक ही बात कही। और अगर ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं था, हमने कोई पंचायती नहीं कराई, गीता बुक्कल जी को भी सुन रहे थे, हम तो ये कहते हैं जो भी बात, कल भी मैं आपकी डिबेट में बैठा था, तमाम पैनल बैठा था, जो भी बात हमने की वो विद फैक्ट्स की, हम फैक्ट्स के साथ चलने वाले हैं और फैक्ट्स के आधार पे ही बात करते हैं, फैक्ट के बिना कोई बात नहीं करते। गीता बुक्कल जी के अगर घर पे पंचायत हुई और उस पंचायत में शामिल लोगों को अगर हम सामने ले आए तो आप क्या कहेंगे? आज के दिन ये बात यहां तक नहीं है, तमाम अधिकारी, जिस अधिकारी ने ये, जिस अध्यापक ने ये गलत काम किया उसके ऊपर अगर पहले ही कार्रवाई होगी होती तो आज इस मुद्दे के ऊपर हमें डिबेट करने की जरूरत ना पड़ती। हमें तो एक चीज का पता है, मैं कल भी आपको आयुष जी याद दिलाना चाहूंगा, हमारे साथ ढोल साहब बैठे थे, ढोल साहब बैठे थे, मैंने एक बात कही थी कि भागना मत, वो आज नहीं है, सीनियर एडवोकेट है, पर उन्होंने उनकी जगह दूसरे बैठे हैं, क्यों भागे? तो एक ही बात कहते हैं, क्यों वॉकआउट किया? विधानसभा में अगर आपके पास फैक्ट्स ही नहीं है और आप वहां जाके सिर्फ हवाबाजी बातें करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हम तो फैक्ट के आधार पे बात करते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमने एक चीज देखी, आपने भी देखी होगी, पिछले लंबे समय से कांग्रेस के अंदर एक सिस्टम चल रहा है कि तमाम नेताओं को हुड्डा साहब साइड करने की तैयारी, साइड कर भी दिया, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो। अब मेरे को ये लग रहा है कि गीता बुक्कल जी का भी नंबर आ गया, इनको भी साइड में बिठाने की तैयारी में है, इसी कारण ये सब कुछ करवाया जा रहा है। गीता बुक्कल जी को पता होना चाहिए, आज देखिए बात वहां क्या हो रही है और एंगल उसको कौन सा देने की कोशिश की जा रही है। आप एंगल उसको क्या, गीता बुक्कल जी की वर्डिंग थी आप वो सुना सकते? कितनी बार इनको मर्यादा बतानी पड़ेगी विधानसभा की, कितनी बार इनके शब्द उड़वाने पड़ेंगे वहां से, इनको यही नहीं पता कि क्या वर्डिंग वहां यूज करनी है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, ऐसी बातें वहां जाके कर। हमें तो एक चीज का पता है, हमने जो कहा वो करके दिखाया, हमने कार्रवाई भी की और कार्रवाई के साथ साथ पिछली भी उसकी पड़ताल निकालने का काम किया कि किसने उसको शह दी और किसकी शह पे वो आज तक टिका बैठा था, किसकी शह पे वो दोबारा उचाना में पोस्टेड हुआ, किसकी शह पे उसकी पहले फैसले हुए, हम तो सारी डिटेल लेके आएंगे। और ये कह रहे थे कि इंक्वायरी कराने की मांग, इंक्वायरी कराने की मांग तो हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, गीता बुक्कल जी नहीं कर रहे, हमने तो इंक्वायरी की मांग हाईकोर्ट के जज से कही है और वो होके रहेगी, और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा और जिस दिन फैक्ट सामने आएंगे फिर आप लोग क्या कहेंगे वो नहीं पता। ठीक है विजेंद्र रेडू जी, विजेंद्र रेडू जी कैसे देख रहे हैं, एक तो आज की जो कार्रवाई हुई और उसमें भी ये जो इतना सेंसिटिव इशू था उस पर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? हाँ देखिए आयोग जी, बहुत ही सेंसिटिव मामला था और विधानसभा में खूब गूंज हुई इस मामले की, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा दोनों ही पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जो हमारी प्रोवर्ब है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे की तरह बात कर रहे हैं। जब ये केस देखिए अभय सिंह ने बिल्कुल क्लियर करने का काम किया, अभय सिंह ने सबके सामने कहा क्या पूरा चाहता है, क्या पूरा सदन इसकी इंक्वायरी चाहता है, कांग्रेस वाले चाहते हैं, सत्ता पक्ष वाले भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं इंक्वायरी चाहते हैं, तो सरकार क्यों नहीं कहती कि हाँ हम इंक्वायरी करवाएंगे, सीबीआई से करवाएंगे, सिटिंग जज से करवाएंगे, क्यों नहीं सदन को उसी टाइम इनको आश्वासन दिया कि बिल्कुल इंक्वायरी होगी और फला डेट से शुरू हो जाएगी, तब तक कमेटी बना दी जाएगी, तो क्यों नहीं ऐसा आश्वासन इन्होंने देने का काम किया, इनको यह आश्वासन देना चाहिए था। दूसरी बात यह बिल्कुल जायज बात है कि जब 2005 में इसी के खिलाफ मामला आता है और 2011 में पंचायत के माध्यम से इसको सुलझा दिया जाता है, भाटिया साहब की ये बात भी ठीक है, जो केस की गंभीरता को देखा जाता है ये बात सही है कि वह केस की गंभीरता को देखा जाता है, उस समय शायद इतना गंभीरता से पेरेंट्स ने इसको उठाने का काम नहीं किया, लेकिन सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है जब सरकार के सामने इस तरह का कोई केस आता है तो कोई भी एक्शन तो लेना चाहिए था, या उसको हम ऐसे ही फ्री छोड़ देंगे? पेरेंट्स ने गंभीरता नहीं दिखाई होगी, अपनी बेटी है, बेटी की इज्जत को हर कोई बचाने का प्रयास करता कि ज्यादा ना उछाली जाए समाज में, तो सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया?
और उस टाइम सरकार ने एक्शन नहीं लिया, ये बिल्कुल गलत काम बात है इनकी। और अब जो सरकार इसकी इंक्वायरी की खुले मन से नहीं कर रही है, ठीक है, वो सस्पेंड नहीं, नेहा जी कर दी सस्पेंड, सस्पेंड नहीं टर्मिनेट किया, हमने सुना टर्मिनेशन उसका हो चुका है और वो जेल में भी है, ठीक है, ये अच्छी बात है एक्शन लिया। बट इंक्वायरी से सरकार क्यों भाग रही है, जो कि बिल्कुल क्लियर विधानसभा में बार बार एमएससी ने कहा भाई इंक्वायरी करवा लीजिए, सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आगे नहीं, स्पीकर ने बोला तो है, स्पीकर ने ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बोला कि हम इसकी करवाएंगे इंक्वायरी, सिटिंग जज से करवाएंगे, ये तो आज बोला गया, उसके फटाफट उसकी शुरू करवानी चाहिए। दूसरी एक और बात इसके साथ ही आई थी, एक और एमएससी ने बड़ा एक मुद्दा बड़ा क्लियरली उठाने का काम किया, उन्होंने कहा कि आज पुलिस डिपार्टमेंट में 21,000 कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय समय पर नहीं मिल पा रहा है, और उसमें से भी काफी सारे सिक्योरिटी में लगाए हुए हैं। इसके एवज में सरकार ने जवाब दिया कि उनको थ्रेट है इसलिए वो उनकी सिक्योरिटी में लगाए जा रहे हैं। अब किसी को थ्रेट है तो थ्रेट को दूर करना किसका काम है, ये भी तो सरकार का ही काम है, क्यों उन लोगों को थ्रेट है और जिनके कारण थ्रेट है क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, मैं नेहा जी से अभी पहले इस पर जवाब लेता हूँ, बिल्कुल मैं आता हूँ, मैं आऊंगा रेडू जी अभी एक पे एक सेकंड, पहले इस वाले विषय पर हम लोग थोड़ा सा क्लियर और करते हैं। नेहा जी, नेहा जी, ठीक है, ठीक है रेडू साहब, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा एक सेकंड, अभी पहले पहले ये मुद्दा थोड़ा इस पर और चर्चा करते हैं हम लोग। नेहा जी, नेहा जी जवाब दीजिए। पहले तो मैं एक बार भाटिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। भाटिया जी ने जो अभी बात रखी थी वो उनके हिसाब से, वो एडवोकेट हैं उन्होंने बताया, लेकिन उनके जो बयान में बात थी कि हमने क्राइम, उस समय क्राइम की डिग्री जो है वो इतनी नहीं थी, या उनके माता पिता ने इतना जो है वो नहीं कहा था, सरकार को रिक्वेस्ट नहीं की थी कि इस पे कार्रवाई हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि इस उस इंसिडेंट की जब मीडिया कवरेज हुई, सदन के अंदर माननीय डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल खुलकर ये बात कह रहे थे एक्स मिनिस्टर साहिबा को कि अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको मीडिया रिपोर्ट पेश कर दूंगा, दे दूंगा मैं आपको प्रूफ। लेकिन फिर भी इतने मीडिया में कवरेज होने के बाद भी आपने उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आई थिंक भाटिया जी को इस बात का नहीं पता था। तो उस समय अगर कार्रवाई होती, ये बात बिल्कुल सही है, मैं विवेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैंने भी ये बात कही कि अगर उस समय कार्रवाई होती तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती दोबारा से वो हरकत करने की। और जहां तक भी सदन में अन्य विषय हैं, एक छोटा सा विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी आयुष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही जी, है जी 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 जी। आयुष जी देखिए, दोगली बातें हमेशा करती आई है कांग्रेस, हमेशा एक तरफ तो राष्ट्र के हित की बात की बातें करते हैं और उसी तरफ राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम भी जो है कांग्रेस ने हमेशा किया है। अब बात देखिए कि सदन का समय हमेशा मुद्दा बनाया इन्होंने, पिछले सदन जितने भी होते रहे उस हमेशा डिबेट में मुद्दा बनाया कि सदन का जो है टाइम बढ़ाया जाए, दिन बढ़ाए जाए। लेकिन आज जो है बत्रा जी ने, माननीय हमारे सीनियर विधायक हैं, और उन्होंने कांग्रेस के होते हुए बत्रा जी ने ये पेश किया कि सदन का जो टाइम है वो कम किया जाए, तो ये बातें कहां से आती हैं, ये बातें कहां से लाते हैं कांग्रेस लोग, मुझे तो ये बात समझ में आती है। एक तरफ तो नेहा जी, कल भी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, कल भी यहां चर्चा का विषय यही था कि जो सदन का समय है वो कम है क्योंकि विधायकों को समय नहीं मिल पाता बोलने का। बिल्कुल, और कहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सीनियर लीडर बत्रा जी ये लिखित में दे रहे हैं कि आप जो है इसका समय जो है कम करिए, और माननीय स्पीकर साहब ने ये बोला कि आप लिखित में भेजिए। तो क्या आपस में डिस्कशन नहीं करते हैं लीडर्स लोग, या फिर इसका मतलब तो समय हमने बढ़ाया है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात क्यों की जाए, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन की बात क्यों। लेकिन नेहा जी, एक चीज उन्होंने ये कही कि भाई आप लोग भी 9 साल हो गए, अब आप लोग को 9 साल तक भी ये पता नहीं चला कि भाई इस तरीके का एक शख्स जो कि ऐसे पोस्ट पर बैठा हुआ है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, और आप लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की संस्तुति नहीं कर पाए। चलिए इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन आप लोग को भी उसको समझने में समय लगा। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, और उसी नाते आपको एक बात बताना चाहूंगी, दिस इज नॉट फिजिबल टेक्निकली, कि पुरानी जितनी भी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, क्योंकि एफआईआर तो होने ही नहीं दी गई, एफआईआर तो होने ही नहीं दी गई थी, जो टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी पुलिस स्टेशन थाने में कोई एप्लीकेशन आई हुई है तो उसको दोबारा से उठाकर देखना कोई भी सरकार नहीं देख पाती है, और ना ही देख पाएंगी, आगे भी नहीं हो पाएगा ये कि कोई भी एप्लीकेशन पीछे आई है उसका पूरा ब्यौरा लिया जाए, दिस इज नॉट फिजिबल एक्चुअली। तो अभी इस बात को तो आप ये माने कि भाटिया जी तो टालमटोल करने के लिए मुद्दे को कहीं भटकाना है। भाटिया साहब से ही मैं जवाब लेता हूँ, भाटिया जी ठीक है, केसी भाटिया जी, केसी भाटिया जी,
देखिए आयुष जी, मेरा ही कहना है कि जब ये बात एक लीगल इश्यू पे आ गई कि भाई पहले से उसका कंडक्ट ऐसा था, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि पास्ट कंडक्ट कब देखा जाता है किसी मुलजम का, जब उसको सजा हो जाती है, जब उसका उसको उसको एक आता है इसको कितनी सजा दी जाए तब उसका पास्ट कंडक्ट देखा जाता है। सजा के टाइम की बात होती है, किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन आया है तो उसका पास कंडक्ट देख के उसको अंदर करने वाली बात नहीं होती, उसको जब वो ट्रायल पूरा हो जाता है केस का तब देखा जाता है कि पास्ट में इसका कंडक्ट कैसा था। और सरकारी वकील हों और कंप्लेनेंट के जो वकील होते हैं वो इस बात को उठाते हैं उस समय पे कि भाई इसका, तो भाटे जी वही तो कह रहे हैं कि भाई अब जब उस समय FIR ही नहीं हुई तो पास कंडक्ट कैसे देखती सरकार, ये तो अब ये मामला खुला है तो सरकार ने जेल के पीछे डाल दिया उस आदमी को। मैं कहना चाहता हूं नेहा जी आप एडवोकेट हैं, आपका स्वागत है, आप मेरी बहन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पास कंडक्ट किस स्टेज पे देखा जाता है। हर बात को उसमें गंभीरता से लेना चाहिए और पास कंडक्ट में अगर कुछ ऐसा रहा होता तो जरूर उसके खिलाफ केस बनता, FIR लोज होती उसके खिलाफ ट्रायल होता। अगर पास्ट में ऐसा कुछ नहीं रहा, ऐसी सिचुएशन नहीं थी तो वो मुद्दा सामने तो नहीं आया। और जो पास्ट में ऐसा कुछ नहीं किया था, 2005 में पहली बार कोई हरकत की थी, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाटिया जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे सीरियस होने की कह रहे हैं और खुद आप इतनी नॉन सीरियस बात कर रहे हैं। पास्ट कंडक्ट लीगल टर्म है, इसको सजा देने के टाइम, ट्रायल के टाइम नहीं देखा जाता, जो उसको पकड़ने के टाइम उसको उसके खिलाफ जो ट्रायल चलता है, पुलिस कस्टडी में जाता है, उस टाइम पास्ट कंडक्ट नहीं देखा जाता। पास्ट कंडक्ट देखा जाता है सजा होने के टाइम, उसको गिल्टी होल्ड कर दिया, उसको सजा जब देनी है तब उसका पास्ट कंडक्ट देखा जाता है। मुझे तो ये मालूम है, आप मेरा प्रश्न नहीं समझे, भाटिया जी और नेहा जी। अब मुझे लग रहा है आप दोनों लोग देखिए एडवोकेट हैं, तो भाई आप देखिए यहाँ पर जिरह शुरू हो जाएगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ भाटिया जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ये मानते हैं कि चलिए ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ तो सरकार को ट्रेस आउट कर लेना चाहिए था, अभी आप ये चाहते हैं जो एलिगेशन लगे चूंकि बहुत गंभीर है, इस पर कम से कम जो इंक्वायरी हो रही है उसका इंतजार हो जाए थोड़ा, और अगर उस समय इंक्वायरी में जो कुछ हुआ या खुल करके कुछ आता है तब फिर क्या पक्ष होगा उस पर आपका भाटिया साहब? आयुष जी, हमारी यही मांग है, विधानसभा में यही मांग उठाई गई है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI से होनी चाहिए। तो वो उसको बजाय वो मांग को मानने के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो बड़ा शर्मनाक बयान है। वो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं नहीं जी किसी एजुकेशन वाले से करवा देंगे, नहीं जी हम किसी पुलिस वाले से करवा देंगे। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में लेना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों वाले भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है, और इवन नेहा जी भी प्रवक्ता है बीजेपी की, ये भी कह रही है इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए, तो क्यों उस बात को डिरेल कर रहे हैं कि जी एजुकेशन वाला कोई देख लेगा ऑफिसर? चलिए ठीक है विवेक जी, एक सेकंड अभी विवेक जी, ठीक है नहीं ठीक है नहीं इंक्वायरी तो होगी ना विवेक जी। आयुष जी, मुझे लगता है आज ना सेशन के दौरान स्पीकर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कांग्रेस के साथियों के लिए कि बारी बारी मुद्दा भटकाते हैं, और वही काम आज कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भाटिया साहब डिबेट पे बैठ के करने का काम कर, यहां बारी बारी कभी कहा जाता है गंभीरता से नहीं लिया गया, कभी कहा जाता है पास्ट कंडक्ट देखा जाए, लीगल टर्म है, फलां है, ढमका है। जनाब जिस आदमी की DDR कट चुकी है और आपकी शिक्षा मंत्री अपनी कोठी पे बुला के उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर दबाव बना रहे हैं फैसला करने के लिए, और वो FIR नहीं होने दी गई, वो पास्ट कंडक्टर नहीं था क्या? सुनने का काम कीजिए भाटिया साहब, आपके बीच में नहीं बोला, आपने बहुत ज्ञान जाना, आपके बीच में नहीं बोला, अब सुनने का काम कीजिए। आप लोग बारी बारी एक मुद्दे को मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं, आपको बहन बेटी की कदर नहीं है क्या? आपकी नेता वहां बैठ के उसको
दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कि मैं ऐसे दलित ना समझना, ये ना समझना। आप कहना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। अगर उसने उसने मैं बता देता हूं क्या अपनी बड़ी क्या, अगर आपकी नेता ने उस टाइम एफ आई आर होने दी होती तो आज ये घटना दोबारा ना होती। बिल्कुल नहीं, उस टाइम गलती नहीं थे। आज आप यहाँ बैठ के मजाक बन रहे हैं, आप मजाक भी बना सकते किसी की बहन बेटी का, आपको कोई हक नहीं है। हमें हमने इसको टर्मिनेट भी करने का काम किया, हमने सिटिंग जज से इंक्वायरी भी कराने की सिफारिश की और कहा कि हाँ कराई जाए। ये कह रहे हैं फला सीएम साहब ने ऐसे कह दिया, फला ने ऐसे कह दिया। जनाब आपने शायद इंडिया न्यूज का पूरा पैकेज नहीं सुना। इंडिया न्यूज का अगर आपने पूरा पैकेज सुना होता तो आपको ये बातें कहने की जरूरत ना पड़ती। मेरे इनेलो के साथी ने सही बात की कि हाँ सभी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी सभी मांग कर रहे हैं, पर मैं ये बात पूछ रहा हूं कि आज तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, 2011 में ऐसा क्या सांप सूंघ गया था कि उस टाइम इंक्वायरी नहीं करा पाए जो बच्चियों को आप लोगों ने शिकार बनवाया? क्या ऐसा हो गया था कि आपको उस टाइम इंक्वायरी याद नहीं आई, उस टाइम एफ आई आर करानी याद नहीं आई? आज के दिन आप लोग इंक्वायरियां भी कह रहे हैं, हम तो इंक्वायरी करा रहे हैं, इंक्वायरी भी करा रहे हैं, टर्मिनेट भी कर दिया हमने तो सलाखों के पीछे भी भेज दिया और सच से सच उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। समय क्यों नहीं किया आप लोग, ठीक है, क्यों नहीं किया? एक सेकंड भाटिया साहब, उस समय क्यों नहीं किया? देखिए मैं तो पहले तो विवेक चौधरी जी की जवाब बात का जवाब दे, उन्होंने जो पहले ये कहा है कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है वो शैलजा जी को साइडलाइन कर रहे हैं और गीता बुक्कल जी को साइडलाइन कर रहे हैं, इनको ये क्या अधिकार है ये कहने के? हमारी सीनियर नेत्री हैं दोनों, चाहे कुमारी शैलजा जी हो चाहे 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 गीता बुक्कल जी हो, आपने पहले नहीं किया? ठीक है, चलिए अब आप लोग पॉलिटिकल कंटेंट में चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? चलिए ठीक है, उन्होंने कहा, उनके कहने से कुछ थोड़ी ना होता है ना, आपकी पार्टी में तो पूरी एकता है ना। अरे भाटिया साहब, आपकी पार्टी में एकजुटता है, आपके सारे नेता एक हैं, तो फिर उनके कहने से क्या है? चलिए केसी भाटिया जी, मुझे बताइए जो मेन आरोप ये है कि भाई आप लोगों ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर की होती तो आज शायद ये मुद्दा ही नहीं होता या वो शख्स आज सलाखों के पीछे होता। भाटिया साहब देखिए, मैं कह चुका हूं कि उस टाइम क्या गंभीरता रही होगी, क्या बात रही होगी, वो जो है ना माननीय सदस्य जो विधानसभा में हमारी बहन गीता बुक्कल जी हैं वो बता सकते हैं, वो कह रही है ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो ये इंक्वायरी करने के बजाय मौजूदा ऑफेंस की इंक्वायरी करने की बात करें, ये कहते हैं हम 2005 की भी इंक्वायरी करेंगे, 11 की इंक्वायरी करेंगे, उस बात का मजाक बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको देता हूं क्या आप बताएंगे? नहीं, बिना बात के तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी तथ्य के या बिना किसी एविडेंस के इतनी बड़ी बात कह दी गई होगी। साथ में है जेजेपी, आप इतने दिन में क्यों सोच रहे हैं? हम फैक्ट्स देते हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे उसके बाद? मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो विद फैक्ट्स कह रहा हूँ, आपको फैक्ट्स देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? विपक्ष में रहते हुए आपने चलिए एक विजेंद्र रेड्डू जी, ठीक है, चलिए ठीक है, अभी तो इंक्वायरी होगी ना, ठीक है भाटिया साहब, मैं समझ गया ठीक है। विजेंद्र रेड्डू जी, जब सरकार खुद ये कहती है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की ही बात है। सरकार विपक्ष तो कहता है, जनता कहती है इंक्वायरी होनी चाहिए, जब सरकार ये कहे इंक्वायरी होनी चाहिए तो इंक्वायरी करेगा कौन? जब सरकार को इंक्वायरी करनी है तो सरकार के मुंह से ये कहना कि इंक्वायरी होनी चाहिए बात बनती नहीं, ये जस्ती नहीं है बात, ये सरकार की कमजोरी को दर्शाने वाली बात है। सरकार को तो ये कहना चाहिए हमने इंक्वायरी बिठा दी और शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और इससे पहले ये भी डाउट है, वो ठीक कहा भाटिया साहब ने कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम पुलिस से करवा देंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से करवा देंगे, तो इस पर संशय ये बनता है कि आज तक इतनी इंक्वायरियां की गई हैं, इतनी एसआईटी बिठाई गई है, किसी की भी रिपोर्ट सरकार ने पटल पर रखने का काम नहीं किया, जनता के सामने लाने का काम नहीं किया। तो क्यों नहीं देखा करो रेड्डू साहब, हाउस देखा करो, हाउस में जाया करो, हाउस देखा करो, आप गलत नहीं कह सकते किसी भी इंक्वायरी की रिपोर्ट पटल पे नहीं रखी गई। मैं आपको बताता हूँ किस किस इंक्वायरी की रिपोर्ट रखी गई, अगर आपको ज्ञान ना हो तो यहाँ बैठ के ऐसी बातें ना किया करो। आपने कहा इंक्वायरी सरकार कराए, सरकार ने यह कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए,
चीटिंग जज कोई विधानसभा में नहीं बैठता, चीटिंग जज कोई विधानसभा में नहीं बैठता। स्पीकर साहब ने बात कही कि चीटिंग जज को रिक्वेस्ट करके और उनसे इंक्वायरी कराई जाएगी। आप कैसे बात कर रहे हैं? दोगली नीति ना अपनाइए। रेडू साहब की बात तो मिट रहा है, ठीक है, मुझे लगता है क्लेरिफिकेशन हो गया, ठीक है रेडू साहब। हाँ जो अभी नेहा जी ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर विधायक बीबी बत्रा जी ने ये कहा कि सेशन का समय कम कर दीजिए, तो इससे भी बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस जो है प्रदेश के प्रति कितनी गंभीर है। विपक्ष को चाहिए कि समय बढ़वाया जाए, ज्यादा करवाया जाए, और खुद कांग्रेस कहती है कि सत्र का समय जो है वो कम कर दिया जाए, तो ये बात सब कुछ अपने आप में बयां करती है कि कांग्रेस जो है हरियाणा प्रदेश के मुद्दों के प्रति कतई गंभीर नहीं है। वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए विधानसभा में जाने का काम करती है, और ये बात इस बात का सर्टिफिकेट है। दूसरी बात, एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि सरकार की झूठ भी सेशन में पकड़ी गई है। जिस प्रकार से वहां पर आंकड़े रखने का काम किया, जो खरीफ सीजन का जो मुआवजा था 187 करोड़ रुपए बनता था, और सरकार ने घोषणा कर दी कि हमने मुआवजा दे दिया दो दिन पहले, और जबकि असल में मुआवजा केवल मात्र 65 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 187 में से 65 करोड़। तो क्यों ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार? ये झूठ भी अभय सिंह चौटाला ने वहां पर उजागर करने का काम किया। एक और जो किसान की हितैषी होने की बयान करते हैं, इन्होंने कहा कि जिस किसान ने फसल को दोबारा तिवारा बोना पड़ा है, हम उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ अलग से मुआवजा देने का काम करेंगे। वो किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक भी नहीं दिया गया, तो कब देंगे? चलिए ठीक है, अभी तो सत्र की कार्रवाई और चलेंगे, और देखते हैं कि इस पर जो कृषि मंत्री वो क्या जवाब देते हैं। बहरहाल आज की चर्चा यही समाप्त करूंगा, समय और मेरे पास नहीं। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज जो मुद्दे उठे, और खासतौर से छात्राओं के साथ जो यौन शोषण का मुद्दा था, उसमें आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए, और अब देखना यह है कि इसकी जो जांच की संस्तुति की गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।